हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि मैं थोर को वेजिटेरियन डाइट क्या देने लग रहे हैं जिससे उसका इतना अच्छा रिजल्ट आने लग रहा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये टेस्ट करके बताने लग रहा हूँ मैं आपके ऊपर, क्योंकि इसकी हमने इसको कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया है तब से इसको ये डाइट देने लग रहे हैं और उसके बाद से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने लग रहा है। ठीक है, और आप सब लोगों ने कहा था कि भैया कुछ ऐसा बताओ कि जिसमें नॉन वेज ना देना पड़े, कोई ऐसी डाइट बताओ, तो मैं यही डाइट लेके आया हूँ। ये चीज़ कैसे पता चली हमें भी, क्योंकि पता क्या हुआ, जब मैं बाहर गया था तो मम्मी पापा ने यूँ कहा कि हम इसको वेज दे के ट्राई करते हैं, क्योंकि इसकी डाइट में वैसे भी पनीर और दही तो है ही। ठीक है, तो चिकन इसको देते थे तो ऐसी बात नहीं है, दे नहीं सकते थे, बट मम्मी ने कहा कि एक बार आप मेरे को मतलब ट्राई करने दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ने भी डिमांड करी थी कि वेजिटेरियन कोई डाइट बताओ जिससे आप अपने डॉग को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, तो वही डाइट मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो चलो मम्मी थोर की पहली मील बनाने लग रही है, तो उनसे पूछते हैं कि आप क्या दे रहे हो इसको ऐसा जो इतना अच्छा मतलब इसकी ग्रोथ आने लग रही है। अम्मी जी नमस्ते, मम्मी बताना कि क्या डाइट दे रहा हूँ वेजिटेरियन थोर को। हाँ, थोर को मैं दिन में एक टाइम तो राइस पनीर और साथ में सोयाबीन की बड़ी होती है और मात्रा होती है 10 से 12, और तीनों टाइम पे खाने के बीच में कभी सुबह कभी दोपहर को कभी रात को चेंज करते रहते हैं इसका टेस्ट। और दो टाइम जो है वो इसके 3 अंडे और 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटी, और जिसके अंदर होता है वो आटा भी मैं दिखाऊँ आपको, ये जो है ये थोर का आटा है अलग से, इसके अंदर इसका कड़क चना है जो, और सोयाबीन और ये मूंग और कड़क, और इसके अंदर क्या है कि जैसे 1 किलो चना ले लिया उसके अंदर 0.5 किलो सोयाबीन ले लिया, और जो की मात्रा जैसे भी आप अंदाजे से ले सकते हो, साबुत मूंग है जैसे मैंने 1 बड़ा कटोरा, जो भी घर में दालें होती है आप सारे डाल सकते हो जो भी इसका, और ये इसके अंदर कणक जो होती है वो कम से कम 5 किलो, ये इसका आटा, एक ये ड्रम है इसका, ये दोनों इकट्ठे पिसवा के भर लेती हूँ मैं, तो जैसे अभी इसका ये यूज कर लेती हूँ, इसमें से ये बचा हुआ है ये फिनिश हो जाएगा फिर मैं इसका ये यूज कर दूँ, उसके बाद फिर पिसवा दूंगी मैं, और यही इसकी डाइट दे रहे। और अच्छा, खास बात, 5 किलो आटे के अंदर 5 किलो कणक, अच्छा 5 किलो, 1 किलो चना और 0.5 किलो सोयाबीन, और जो जो है ये और दाने में जो भी डालना चाहो वो आपके अंदाजा कटोरी जैसे घर में बाउल है उसका अंदाजा लेके डाल लो उसके अंदर। और एक खास बात है, और थोर को कम से कम मिनिमम 1 किलो और मैक्सिमम इसका 1.5 से 1.25 किलो डेली का दूध है वो इसको दही के रूप में, इसको पनीर के रूप में, और जो इसकी रोटियां 1 कप में डिप करती हूँ जिससे बहुत अच्छे से खाता है ऐसे। हाँ, इसका मतलब ये था कि दूध इसको डायरेक्ट नहीं देते, नहीं, 1.5 किलो का पनीर बनता है और दही बनती है, और साथ में थोड़ा सा दूध जब इसको रोटी देते हैं ना, रोटी में ये चीजें डाल के देते हैं दो टाइम, तो बिल्कुल थोड़ा सा दूध ताकि वो गिल्ली हो जाए, मैस हो जाए, ताकि फिर ये खा पाए। जो टी कप होता है ना, टी कप जिसमें आप चाय पीते छोटा, जैसे मैं दिखाती ये 1 कप भेजा था ये, और ये जिस दिन मानू का जन्मदिन था उसने स्टेटस पर लगाया था, तो ये मेरी फ्रेंड ने इनके वही स्टेटस से फोटो लेके, और दोनों बहन भाइयों के, क्योंकि 27 अक्टूबर का रचित का बर्थडे है और 21 अक्टूबर का मानू का बर्थडे, जो कि जा चुका है, अब अगली बार आएगा। तो अभी कौन सी डाइट बन रही है थोर की? ये चावल, थोर के चावल बने हुए हैं और इसके बीच में सोयाबीन और पनीर। मैं क्या करती हूँ, जो पनीर बनाती हूँ ना, पनीर का थोड़ा सा पानी और पनीर
वो एक अलग बाउल में डाल के जो पनीर का पानी है उसके बीच में और पानी डाल के इसके राइस उबालती हूँ ताकि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग राइस बनते हैं। और उससे ये होता है ये खा भी लेते हैं ना, क्योंकि रोटवाइलर कई बार ना खाते नहीं। कई लोगों ने कहा है कि भाई हमारे ना रोटवाइलर या हमारा कोई भी डॉग वो ना राइस खाना पसंद नहीं करता, तो ये तरीका अच्छा है कि आप जो पनीर बनाते हो उसका पानी निकालो और उस पनीर के पानी के अंदर ही राइस बनाओ, तो उसका टेस्ट वैसा ही हो जाता है, नहीं स्मेल ऐसी हो जाती है, तो इसलिए फिर वो डॉग्स खा लेते हैं। पानी उसमें ताकत भी पूरी होती है, पनीर का जो पानी है बहुत ताकतवर होता है। देख लो भाई, जो कह रहे थे कि चावल पसंद नहीं है वो नहीं खाते, चावल पनीर और सोयाबीन की बड़ी बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट है। थोड़ू खा जाएगा इसे फिनिश कर दे, लेकिन प्यार से। और दूसरी बात ये है बहुत मतलब यूं भी कई डॉग तो होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी खा जाते हैं, वो अच्छा नहीं होता उनके लिए, पर ये थोड़ा अच्छी तरीके से मतलब अपना मज़ा ले लेके खाते हैं, तो उससे मतलब कि ना पेट की दिक्कतें नहीं आती, हजम जल्दी नहीं होता। अगर कोई ना ऐसे ज़्यादा जल्दी जल्दी इनगल्फ कर देगा ना खाने को, वो अच्छी तरीके से ना मतलब डाइजेशन नहीं होती उसकी, और फिर वो ऐसे ही वेस्ट निकल आता है, और मतलब इसलिए उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती डॉग की। पर आराम से खाए ना डॉग तो अच्छा होता है उनके लिए। जो डॉग तेज खाते हैं ना तो उनके लिए ना स्लो फीडर आते हैं कई सारे बाउल, मतलब जैसे ये है ये स्लो फीडर नहीं है बट वो स्लो फीडर होते हैं, उनके बीच में ना ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बने होते हैं जिसकी वजह से ना एकदम से ना खा पाए डॉग, तो वो ले आना जिस जिसका डॉग बहुत तेजी से खाता है। चलो ये खा लेगा तो फिनिश कर ले भाई। बाकी डाइट तो आप सबको बता ही दी है मम्मी ने कि इसको क्या क्या देते हैं, अगर मैं शूट कर पाया तो मैं कर लूँगा, नहीं बाकी यही है डाइट तो।